नमस्कार। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के गृह जिले कवर्धा का एक ऐसा गांव जहां 5 दिनों से बिजली बंद है और यहां के लोग बिजली के अभाव में अंधेरे में रहने को मजबूर हैं, जिससे रात के अंधेरे में उन्हें सांप बिच्छू का भय बना रहता है। इतना ही नहीं, बिजली के अभाव में यहाँ के लोग 1 किलोमीटर दूर से दूसरे गाँव के हेडपंप से पानी लाने को मजबूर हैं। कई लोग तो तालाब के पानी से अपना निस्तार कर रहे हैं। देखिए कवर्धा से सतीश पात्रे की ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें, कवर्धा जिले के ग्राम नवागांव गजरी जो पूर्णतः अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है, यहां की जनसंख्या लगभग 1000 है। गांव में लगे बिजली का ट्रांसफार्मर जल चुका है, जिसके चलते ग्रामीण 5 दिनों से अंधेरे में अपना जीवन काट रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा ट्रांसफर जलने की जानकारी विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन ट्रांसफार्मर 5 दिनों में भी नहीं लग पाया, जिसके चलते ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। वहीं यहाँ के लोगों को रात में मच्छरों का शिकार भी होना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें बीमारी भी लग सकती है। हमारे गांव में तो मेन समस्या है, ट्रांसफार्मर 3-4 दिन से जल चुके हैं और रात में भी लाइट नहीं जले और गांव में कोई भी हैंडपंप जो है चालू नहीं है और गांव में वही लाइट के माध्यम से कोई बोर रही ओकर माध्यम से हम पानी वानी पीत रहे हैं और वो पानी के पिए के व्यवस्था हमारे पास भी नहीं है। हम लोग दूसर गाँव से ला के पानी पियल पड़त है। यही हमारे गांव रात में का है जो है लाइट नहीं रहे माँ सांप बिच्छू के भय रहते लैका सियान मतलब सब हेला 4-5 रोज हो गए। हेला बनाए पर कोई आ रही ना पे मन लाइन में कब आ रही से परसों नरसों आ रही ना तो बंद किसे नहीं पाते लाइट तारी खराब है कि चल दी ना। ये कौन से गांव है? गजरी नवा का। यहाँ लाइट कब से बंद है? 4-5 दिन तो कहा था। तो पानी किसे कमल लगा पानी? अरे तरिया कुआं नहीं है भैया, पानी बतरा भी था। तो लाइट के अभाव में पानी नहीं मिला तो फिर किसे अपन तरिया पिया थन का था? तरिया भर के पानी गिरा थे ता रात में परेशानी नहीं है? हो है नहीं, मच्छर के मारे हलाकान होते थे। अब इन हालातों को देखकर सरकार के द्वारा सरप्लस बिजली देने की जो दावे किए जाते हैं वह सिर्फ खोखले नजर आते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मुख्यमंत्री के गृह जिले में दिखाई देता है कि यहाँ किस तरह लोगों को बिजली सुविधा दी जा रही है। नवागांव गजरी अपना आश्रम ग्राम है। मुझे तो पता नहीं था कि मतलब 4 रोज हो गया लाइट बंद है, वहाँ का ट्रांसफार्मर जल चुका है। ग्रामीणों द्वारा किसी के द्वारा मुझे जानकारी नहीं दिया गया, लेकिन आज करीब करीब 12-12.5 बजे पता चला है। तो आज तो पानी के नाम से नहीं जा पाया। मैं भी कल अभी बात करूंगा अधिकारी से और कल जाऊंगा पंडरिया और कुंडा दोनों जगह, हो सके तक संभव हो सकेगा तो कल ही ट्रांसफार्मर आ जाएगा। बात करके कोशिश करेंगे इसके लिए। ग्राम नवागांव गजरी के जो सरपंच हैं वो कल शाम को मुझे फ़ोन किए थे, तो चर्चा हुई है। आज हम ट्रांसफार्मर भेज रहे हैं वहाँ पर और ट्रांसफार्मर लगवा देंगे। सर आपके विभाग को पता नहीं थी क्या? आपके मुझे कल ही जानकारी मिली है। For more information, log on to www.clips.in.